There are so many things happening in life. Relationship issues, financial problems, work issues, and with so many things, at certain point of time, we start feeling unloved, unappreciated. Hame lagta hai, hamari koi care nahi kar raha, hame koi motivate nahi kar raha. So if you feel unloved and unappreciated, stay tuned with me and watch this video till the end. My name is Trilekha and you're watching Lot to Learn. हम एक सवाल से शुरू करते हैं, क्या जैसी जिंदगी हम चाहते हैं वैसी जिंदगी हम पा सकते हैं? शायद हाँ, पर क्या हम हर समय एक ही तरह की जिंदगी चाहते हैं? क्या हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ फिक्स्ड कांस्टेंट रहे? एक समय पर हम चाहते हैं कि हम किसी कंपनी में सीनियर मैनेजर हो जाएं, और जब हम सीनियर मैनेजर बन जाते हैं कुछ समय बाद हमें लगता है कि हमारा और हायर लेवल पर प्रमोशन हो जाए, हम वाइस प्रेसिडेंट या सीईओ बन जाए। ठीक उसी तरह जब आप न्यूली मैरिड होते हैं तो आप उस समय एक अलग ही वर्ल्ड में होते हैं, वर्ल्ड ऑफ रोमांस, लव। कुछ समय बाद आपको ऐसा लगता है कि अब फैमिली में कोई तीसरा आना चाहिए, यानी कि बेबी। मैं यहाँ ये समझाना चाहती हूँ कि लाइफ हमेशा हम खुद एक तरह से नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि हमारी लाइफ एक ही तरह से हो, और फिर लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है जब हमें लगता है कि हमारी कोई केयर नहीं कर रहा, हमें कोई मोटिवेट नहीं कर रहा। उस वक्त हम डिसअपॉइंट होने लगते हैं, डिप्रेस्ड होने लगते हैं। द फर्स्ट थिंग हियर आई वॉन्ट यू टू टेक एज अ लाइफ मंत्रा इज लव योर सेल्फ। अगर आप खुद से प्यार नहीं करेंगे, खुद की रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, खुद की वैल्यू नहीं करेंगे, तो कोई और आपको कैसे प्यार करेगा? मैंने बहुत लोगों को कहते सुना है कि हमें कोई मोटिवेट नहीं करता, वरना हम भी ये कर लेते। मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? मोटिवेशन का मतलब होता है जब कोई कुछ कर रहा है तो उसे उस काम को और अच्छा करने की प्रेरणा देना। मगर कोई और अच्छा कब करेगा? जब वो ऑलरेडी कुछ कर रहा हो। तो नेक्स्ट टाइम जब आपको ऐसा लगे कि आपको कोई मोटिवेट नहीं करता, आस्क योरसेल्फ, एम आई डूइंग समथिंग? हैव आई टेकन माय फर्स्ट स्टेप? अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो लाइफ में ऑलरेडी कुछ कर रहे हैं और वो मोटिवेशन चाहते हैं और बेहतर करने के लिए। एक बहुत कॉमन सी चीज़ मैं यहाँ समझाना चाहूँगी। हम सब की लाइफ में कुछ चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं, और वो ये कि वीक में हम एक दो दिन फुल ऑफ एनर्जी फील करते हैं। हमें ऐसा लगता है वी आर ऑन द टॉप ऑफ दिस वर्ल्ड, पॉजिटिव एनर्जी से फुलफिल्ड। और नेक्स्ट अगले दो दिन ही हमें ऐसा लगता है काफ़ी डल सी फीलिंग आती है, जैसे किसी ने एनर्जी हमारी छीन ली हो। ये फीलिंग्स बहुत कॉमन है और बहुत नॉर्मल है, और ऐसा सबके साथ होता है। ये एक टेम्प्रेरी फेस होता है जो निकल जाता है। आप खुद को मोटिवेट करने के लिए अपना कोई फेवरेट सॉन्ग सुन लीजिए या फिर कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लीजिए। एक सबसे अच्छा टेस्टेड तरीका जो मैंने ट्राई किया है, अगर आपके पास आसपास कोई बच्चा है तो आप उसके साथ खेल लीजिए, आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा। अपने किसी फ्रेंड या अपने स्पाउस से ये एक्सपेक्ट करना कि वो आपको मोटिवेट करे, सही नहीं है। ऐसा करके आप खुद को हर्ट करेंगे और अपना टाइम भी वेस्ट करेंगे, क्योंकि वो अपनी प्रॉब्लम्स में उलझे हुए हैं, उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। हाँ, अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं तो हो सकता है आपको देखकर वो खुद भी मोटिवेटेड हो जाएं। नेक्स्ट टाइम जब आपको ये लगे कि आपको कोई प्यार नहीं करता, आपको मोटिवेट नहीं करता, आप किसी मंदिर या किसी ट्रैफिक सिग्नल के आसपास किसी ऐसे बच्चे को जो सामान बेच रहा हो या फिर जो भीख मांग रहा हो जाकर देख लीजिए, और सोचिएगा कि क्या इसे कोई मोटिवेट करता है। एट द एंड आई वुड वॉन्ट टू से ओनली वन थिंग, जिंदगी परफेक्ट नहीं हो सकती पर खूबसूरत ज़रूर हो सकती है, पर तब जब हम खुद कोशिश करें। ये कोशिश कोई और नहीं करेगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो उसके लिए कोशिश आपको ही करनी पड़ेगी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन हिट करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें, और मुझे अपने व्यूज़ नीचे दिए गए कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।